वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस और फिजिक्स सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो राउंडिंग ऑफ जो डिजिट्स हैं उनको देखते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो कोई भी जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को एक्सप्लेन करके और अच्छे से लिखना ही है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो टू चेंज एनी नंबर इन डेफिनेट सिग्निफिकेंट नंबर यूज द प्रिंसिपल ऑफ राउंडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। क्लियर? फॉर दिस फॉलोइंग आर रूल्स। जो रूल्स है उनको देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है बेटा? राउंडिंग ऑफ डिजिट्स का फर्स्ट रूल, आपको थ्योरी ना बता के मैं डायरेक्ट रूल्स पे आता हूँ। फर्स्ट जो रूल है उसमें है कि फर्स्ट रूल में ये है कि कोई भी आपके पास डिजिट है 3.24, फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिट है 3.24, इसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना है। राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद आपको लास्ट जो डिजिट है उसको देखना है, और जो लास्ट डिजिट है वो 5 से अगर लेस है, लेस देन 5 है पॉइंट के लास्ट वाली जो डिजिट है ये वाली, अगर ये 5 से लेस देन है तो ये जो आपके पास डिजिट है इससे जस्ट पहले वाली पॉइंट 4 के जस्ट पहले जो डिजिट है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा? इसका राउंडिंग ऑफ आ जाएगा 3.2। क्लियर है? राउंडिंग ऑफ इसका क्या आएगा? 3.2। कैसे आया बेटा? ये 4 जो है वो 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये जो 4 है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करेंगे तो आपके पास राउंडिंग ऑफ आ जाएगी डिजिट्स 3.2। क्लियर? अगर हमारा कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर, राउंडिंग ऑफ का ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर हमारा न्यूमेरिकल में आंसर आता है 3.24, तो हम उसको राउंडिंग ऑफ करके लिखते हैं। राउंडिंग ऑफ करेंगे उसको लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो राउंडिंग ऑफ में अगर इस तरह के आपके पास आंसर आता है और पॉइंट के जो लास्ट डिजिट है वो 5 से लेस देन है तो ये जो आपका लास्ट डिजिट है वो हट जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, और उससे पहले कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसका राउंडिंग ऑफ आ जाएगा 3.2। क्लियर है? तो आंसर जो आपको मिलेगा वो 3.24 ना मिलके क्या मिलेगा? 3.2। क्लियर है? किसकी वजह से मिल रहा है ये? राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये नंबर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए राउंडिंग ऑफ पढ़ाया जाता है। सेकंड रूल को देखते हैं बेटा ध्यान से। सेकंड रूल क्या है इसका? देखो, सेकंड रूल है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल है 1.78। ध्यान से देखेंगे, ये कोई मैंने डिजिट ले ली 1.78 में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के लास्ट वाला जो डिजिट है वो 8 है, और 8 जो है वो 5 से क्या है? 5 से मोर देन है, अरे ग्रेटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो पॉइंट के जस्ट जो लास्ट डिजिट है वो अगर आपका 5 से अबो है, यानी कि 5 से मोर देन है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 8 को अगर अपन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो एक नंबर है वो राइज हो जाएगा। कितने नंबर राइज हो जाएगा? 1 नंबर राइज कर देते हैं। तो इधर 1 नंबर का राइज करेंगे, एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं बेटा इसको? 1.8। क्लियर है? तो हमारा न्यूमेरिकल में जब फिजिक्स के या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें हमारा आंसर आया 1.78, जब आप बुक में आंसर देखेंगे तो उसका आंसर लिखा होगा 1.8। कैसे लिखा है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। ध्यान रहे कि अगर जो वैल्यू डिजिट है पॉइंट के जस्ट लास्ट वाली जो डिजिट है वो 5 से लेस देन है तो कोई भी नंबर राइज नहीं होगा उससे पहले वाले जो डिजिट है उसमें, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है,
मोर देन फाइव है तो यहाँ पर एक नंबर जो इससे पहले वाला जो नंबर है उसमें एक जो है वो राइज कर देते हैं, तो सेवन था, सेवन में एक राइज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा एट, तो आपके पास आ जाएगा 1.8। क्लियर है? नेक्स्ट रूल जो है इसका, वो नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। रूल नंबर जो आपका है वो है थ्री। रूल नंबर थ्री देखिए ध्यान से, रूल नंबर थ्री राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर थ्री है थर्ड, वो क्या है वो ध्यान से देखते हैं। थर्ड नंबर रूल है, कोई आपके पास एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके पास कोई एग्जांपल है, आंसर आया किसी भी वैल्यू का या कोई भी है, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसका आंसर आया 43.252। क्लियर? इस तरह का आंसर आपके पास आया है। अब इस आंसर को राउंडिंग ऑफ करके आपको आंसर देना है, ये आंसर आपका फाइनल आया है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो पहले तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो लास्ट वाली डिजिट है वो कितनी है बेटा, लास्ट वाली डिजिट जो है वो है आपके पास टू। ठीक है, टू जो है वो फाइव से लेस देन है, फाइव से लेस देन है, तो इससे जस्ट पहले क्या एक नंबर राइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फाइव से जो टू है लास्ट वाली डिजिट है वो वन, जो टू है वो फाइव से लेस देन है, लेस देन फाइव है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर इससे पहले कोई भी नंबर राइज नहीं होगा, एक नंबर राइज नहीं करेंगे। तो इसका अगर आंसर देखें तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, या कोई राइज नहीं होगा, तो ये अपन लिख सकते हैं 43.25। अरे ये सुनो, लेकिन आप क्या करते हैं कि अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो इसको मैं एक और आसान तरीका इसका बता देता हूँ कि हमें यहाँ पॉइंट जो है उसके वन जो डिजिट है वहाँ तक ही इसको राउंड ऑफ करना होता है, पॉइंट के जस्ट वन नंबर तक। तो हम जो ये 52 है इसको देखें, तो 52 जो है ध्यान से देखें, 52 में टू नंबर्स हैं, तो ये जो है 100 के इसका बेस ले लेते हैं 100, इसका बेस क्या ले लेते हैं 100, 100 में अगर 50 है तो उसके अलग रूल हैं, 50 जो 100 का हाफ है, और 50 से अगर अबो है, 50 से मोर देन है, जैसे 51 है या 52 है या 83 है जो भी है, 50 से अबो जो है राउंडिंग ऑफ में 50 से अबो जो होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक नंबर राइज करना होगा। और अगर लेस देन 50 है, लेस देन 50 का मतलब 49 है या फिर 48 है इस तरह से, तो यहाँ पर कोई भी नंबर राइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? देखो दो नंबर ले लिए हमने, दो नंबर ले लिए, तो इस ये जो है आपका इसका बेस क्या होगा 52 का, इसका बेस होगा 100। ठीक है, एक नंबर होता है उसका बेस क्या होता है 10। कैसे? देखो इससे पहले अपन ने एग्जांपल लिया था 1.78, तो 8 को राउंड ऑफ करना है अपने को, तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसका बेस क्या लेंगे बेटा 10। ठीक है, 10 में जो हाफ है वो है 5, 5 से अबो जो है वो तो राउंडिंग ऑफ में यहाँ एक राइज कर देते हैं, और 5 से जो लेस देन है वो यहाँ पे कोई भी जो नंबर है उसको राइज नहीं करते। सेम वैसा ही प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे 52 आ रहा है, 52 जो है वो 50 से, यानी कि जो 50 है उससे मोर देन है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक नंबर क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा। राइज होगा तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 43.2। देखो 2 है तो एक राइज करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3। क्लियर है क्या? इसका एक और एग्जांपल से समझा सकते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है आपके पास, देखो मैंने एग्जांपल लिया 53.432। ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये देखो अपने को जो हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट के वन डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 32, तो इसका बेस क्या है 100, 100 बेस है, तो 100 का हाफ क्या है 50, 50 अगर आता है तो रूल अलग होगा, 50 के रूल अलग होंगे, लेकिन अभी 50 की बात नहीं कर रहे, 50 से मोर देन की बात कर रहे हो, लेस देन की। मोर देन है तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक नंबर राइज हो जाता है, लेकिन अगर अपन देखें यहाँ पे 32 है, 32 50 से क्या है 50 से लेस देन है, 50 से लेस देन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक भी नंबर राइज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 53.4, इसका राउंडिंग ऑफ आ गया 53.4। क्लियर है? तो इस तरह से अपन बेस ले लेते हैं, पॉइंट के दो नंबर है तो उनका बेस होगा 100,
एक नंबर है तो 10, तीन नंबर तक है तो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है 43.2514 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो ये हमें यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है इसका, तो ये तीन नंबर हैं तो इनका जो वो होगा क्या होगा, बेस 1000 होगा, 1000 का आप कितना होगा बेटा 500, तो 500 से मोर देन है तो वो तो यहाँ एक राइज कर देंगे, और 500 से लेस देन है अगर ये नंबर तो क्या कर देंगे, एज इट इज रख देंगे इसको। तो देखो 500 में यहाँ है 514, तो यहाँ पे 500 से अब मोर देन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर राइज हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 43.3। बात समझ में आई क्या, अगर एक नंबर है तो उसका बेस हम कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, दो नंबर है तो 100 ले लेते हैं, और अगर तीन नंबर है तो उसका बेस आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। ये रूल नंबर था 3। अब आ जाइए नेक्स्ट रूल पे, और नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4, राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 4, इसको ध्यान से देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 है कि आपके पास कोई एग्जांपल है, और इस बार जो एग्जांपल आया है वो आपके पास इस तरह का है 3.45, ठीक है। अब देखिए हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो पॉइंट के वन डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को देखो 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 आ रहा है तो इसका बेस 10 है, और 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 जब आ जाए, 5 से मोर देन होता है तो यहाँ पे 1 इंक्रीज कर देते, राइज कर देते, और 5 से लेस देन अगर नंबर होते यहाँ पे तो हम कोई भी चेंज नहीं करते। लेकिन अब 5 आ जाए तो क्या करें, 5 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन और ओड, ध्यान दे दो रूल आएंगे, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ पे जो आपके पास है राउंडिंग ऑफ में कोई चेंज नहीं होगा, और ऑड नंबर है तो चेंज होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 4 है, 4 है तो इसको लिख सकते हैं अपन 5 जो है वो आ जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ आ जाएगा आपके पास, राउंडिंग ऑफ आ जाएगा 3.4, यानी कि जो 4 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 आ जाए तब, 5 से अगर मोर देन होता है तो यहाँ इंक्रीज कर देते। अच्छा रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 है इस तरह से 3.35, ठीक है। तो 3.35 क्या है, पहले तो ये देख के बताओ कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है 3.4 के बाद, ध्यान से देखो ऑड है ना, ऑड है तो क्या करेंगे, देखो ऑड में क्या होता है, ये 5 आ रहा है और राउंडिंग ऑफ करना है 3 तक, तो जो इसका बेस होगा वो 10 होगा, 10 का हाफ 5, अब 5 आ गया तो 5 की वजह से यहाँ राइज होगा 1 नंबर या नहीं होगा, तो उसका क्लियर सा आंसर है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि इससे 5 से जस्ट पहले जो डिजिट है वो 3 है, 3 ओड है या इवन है, तो ओड है, ओड है तो मैंने कहा था कि ओड में तो यहाँ चेंज कर देते हैं अगर यहाँ 5 है तो, और इवन में कोई चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3.4, क्लियर है। तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ आपके पास आ जाएगा 3.4, क्लियर है। तो ये था हमारे पास राउंडिंग ऑफ के जो 5 रूल्स हैं, इनको ध्यान से समझ लेना, केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, बस कुछ नहीं करना, इतना सा ध्यान रखना है पॉइंट के जस्ट बाद हमें पॉइंट के 1 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो उसके लिए अगर आपके पास नंबर्स हैं उनको किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, जो वीडियो है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक यू क्लास।